वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी बज रहा है सुबह के 5:30 और मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए आया हूँ। और अभी कुछ देर मॉर्निंग वॉक करूँगा, उसके बाद फिर वापस चलता हूँ। यहाँ पार्क मुझे मिल गया अच्छा खासा, तो मॉर्निंग वॉक करने में मज़ा भी आता है। और भाई साहब आसपास खूब देख सकते हैं, पेड़ वगैरह हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ठीक है, फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं, फिर घर जाके फ्रेश होंगे और फिर पढ़ने बैठेंगे। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं और शुशांत निकल चुके हैं कॉलेज के लिए। टाइम आपका 9 बजने वाले हैं 5 मिनट में। पहली क्लास हमारी 9:15 पे होगी और शुशांत अभी बाइक चला रहा है और कॉलेज जा रहे हैं। अभी रास्ते में मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, धूप भी हो रही है लेकिन ठीक हो रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। फिर कॉलेज जाते हुए आपसे बात करते हैं, ठीक है गाइस, बाय। अब मैं नहा चुका हूँ और अब मतलब मैंने कॉफ़ी भी बना ली है, ब्लैक कॉफ़ी। और अब वक्त है थोड़ी देर पढ़ाई करने का और उसके बाद करीब 8-9 बजे हम लोग, मतलब हम और मेरे भैया, नाश्ता करेंगे। तो ठीक है, फिर चलते हैं, अभी कुछ देर पढ़ाई करते हैं। सो गाइस, अभी जस्ट मैं मार्केटिंग करके आ रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या मार्केटिंग की। सो ये मैंने अभी जस्ट के ख़रीदा न्यूट्रेला का सोयाबीन, और फिर ये मैंने लिया प्लास्टिक जो कि मतलब यूज़ करते हैं कूड़ा उड़ा फेंकने के लिए, और फिर उसके बाद ये 2 मैगी ले ली ताकि मतलब भूख वगैरह लगती है तो काम चल जाए थोड़ा। तो बाकी जो चीज़ था, मतलब आलू वगैरह मुझे लेना था तो वो वहाँ पे था नहीं, तो मतलब आसपास अभी नए शिफ्ट में तो कुछ जानकारी है नहीं कि कहाँ क्या मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ग्रोफर्स वगैरह ऑनलाइन जो होती है वहाँ से मंगा लिया जाए। तो मैंने अभी स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया है, तो 20 से 25 मिनट दिखा रहा है, तो 20 से 25 मिनट में मैंने मतलब आलू टमाटर वगैरह मंगाए हैं, तो ठीक दाम पे मिल गया, मतलब कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो अब 20-25 मिनट में वो आता है तो फिर मैं खाना वाना बना के ही रख लूँगा, तो क्योंकि रात में फिर लेट हो जाता है तो खाना पीना बन नहीं पाता है। सो दैट्स वाई मतलब पहले ही बना लेता हूँ सब्ज़ी और रात में चावल वगैरह बन जाएगा। तो वेट कर रहा हूँ कि कब तक आए, तब तक थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए। तो गाइस, अभी मुझे लगी थी भूख तो मैंने सोचा कि चलो ये नया जो नूडल्स लाया है वो ट्राई किया जाए, तो अब वही ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसे। गाइस, ये प्रिपेयर हो चुका है और अब मतलब देखता हूँ कैसा टेस्ट है। तो गाइस, हमारा ऑर्डर आ चुका है और अब मैं जा रहा हूँ ऑर्डर लेने के लिए। 15 मिनट में ही ऑर्डर आ गया, तो लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है। तो गाइस, ये है हमारा ऑर्डर, काफ़ी हैवी है और मतलब देखते हैं सही से आया है कि नहीं। तो ये ऑर्डर है, अब इसको अनपैक करते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है। सो गाइस, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब जो जो मंगाया था, ये गार्लिक पेस्ट मंगाया था और ये मंगाया था टमाटर और ये आलू, तीनों चीज़ आ गई है और क्वांटिटी भी सही लग रही है। तो ठीक है, फिर अब थोड़ा कुकिंग वगैरह थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, मेरा खाने का भी प्रोग्राम पूरा हो चुका है, मतलब मैंने सब्जी चढ़ा दी है, अब एक सीटी और लगानी है। और आज मैं बना रहा हूँ आलू सोयाबीन, सो बस अब एक सीटी और लग जाए, उसके बाद फिर मतलब बाकी अब ये सब जो किचन वगैरह बचा है उसको भी मैं क्लीन करके हटा देता हूँ बाकी, और फिर उसके बाद मैं कॉलेज जाने की तैयारी करूँगा। सोचा ठीक है, फिर जल्दी जल्दी इन सबको क्लीन करते हैं, तब तक वो भी हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर नहाएंगे धोएंगे और तैयार होंगे और कॉलेज निकल जाएंगे। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? जस्ट मैं अभी कॉलेज से आ रहा हूँ और यार बहुत थोड़ी तरह थक जाता हूँ कॉलेज से आने के बाद। खैर, लेकिन आज मौसम बहुत ज़्यादा मस्त हो रखा है, दिखाता हूँ आपको मौसम कैसा है। मतलब फिर से वही बारिश वारिश हो लग रहा है, होने वाली है, तो होप कि हो जाए तो थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी, दिखाता हूँ मौसम आपको। सो गाइज, ये देख सकते हैं आप मौसम, मतलब बारिश होने के आसार तो नज़र आ रहे हैं,
और पूरा एकदम बादल लग चुका है काफ़ी। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं थोड़ा मार्केटिंग करने के लिए सब्जी वगैरह की। तो अब मतलब मंगा तो लिया था ग्रोफर से, लेकिन वहाँ बड़ा महंगा पड़ता है, सो दैट्स वाई मतलब अब सोच रहे हैं कि यहीं से मार्केट वगैरह से थोड़ा सामान वामान ले लें तो सस्ता पड़ेगा और कुछ खा पी भी लेंगे, नाश्ता वगैरह। सो ठीक है, फिर करते हैं नाश्ता, सामान लेते हैं, फिर घर पे बात करते हैं आपसे। फोटो खींचते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे व्लॉग। और अब वक्त हो चुका है थोड़ा सोने का, तो थोड़ा नहीं बट ज़्यादा सोने का, तो 6-7 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। सो इसीलिए अब वक्त है आपको अलविदा कहने का इस ब्लॉग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पिछले सारे व्लॉग्स आप देख डालिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा, और सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से प्यार बहुत 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 ज़्यादा बढ़ता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए टेक केयर। Bye bye, see you in the next vlog.